आशुतोष, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? भाभी मैं सरिता से मिलने जा रहा हूँ। सच? हाँ भाभी। कुसुम, ये आशु। बाजी, आशु सरिता से मिल गया। कोई है? अरे यार, अरे आशु बेटा, मालकिन मालकिन देखो तो कौन आया है। मालकिन, अरे आशु बेटा। नमस्ते भाजी। नहीं माजी, प्लीज आप मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। इसमें माफी की क्या बात है, जो हुआ उसे आप भूल जाइए। क्या मैं सरिता से मिल सकता हूँ? हाँ बेटा, अपने बेडरूम में। अच्छा, साहब कहाँ है? बाहर गार्डन में बैठे मालकिन। सुनिए। क्या बात है? आशुतोष आया है। आशुतोष आया? कहाँ है? सरिता के कमरे में। देखिए मैं इनका हस्बैंड हूँ, क्या मैं इनके साथ कुछ वक्त अकेले में बिता सकता हूँ? या श्योर। थैंक यू। क्या बात है, रुक क्यों गए? अरुणा, मैं ये सोच रहा हूं कि मैं कैसे उसे नजर में लगाऊंगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? आशुतोष यहां सब कुछ भूल कर आया है। अगर उसके मन में जरा भी नफरत या कोई बात होती तो यहां नहीं आता। चलो। कब तक मुझसे मुझसे ये रूठ ही रहोगे? हैं कब तक खामोश रहोगे सरिता? देखो देखो, मैं आया हूं, तुम्हारा आशु, तुम्हें मेरे साथ वापस घर ले जाने आया हूं। मुझसे बात करो सरिता, प्लीज। देखो, तुम्हारे इस खामोशी ने बाकी सब लोगों को खामोश कर दिया है। मैं मानता हूं कि मेरी गलती है और मैं वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी तुम्हारे दिल नहीं दिखाऊंगा। प्लीज सरिता, मुझे माफ कर। I'm really sorry. Sarita, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज। सिस्टर, क्या मैं इन्हें अपने साथ घर ले जा सकता हूँ? देखिए, सरिता को मेरी सख्त जरूरत है।
हेलो डॉक्टर साहब, सरिता को होश आ गया। एक्सक्यूज मी, उनको आराम की सख्त जरूरत है, प्लीज। आशु आ गया, उसके लिए चाय वाय पीने दो। भैया, भैया, क्या हुआ? बाबा, हाँ भैया, सरिता को होश आ गया है। अच्छा? हाँ। तू सच कह रहा है बेटा? सरिता को होश आ गया? भाभी की तबीयत कैसी भैया? तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान कि सरिता को होश आ गया। अब बस हमारे घर का प्यार, खुशियां और सुकून लौटा दे। मेरी बस तुझसे यही प्रार्थना है। कमला, कमला तुम इस तरह से चली क्यों हैं? बहुत दिनों के बाद खुशी की किरण नजर आई है। भगवान तो हमेशा खुशी देने में ही विश्वास करता है कमला। हमारे दुखों का कारण तो हमारे कर्म होते हैं, जो कभी कभी हमारे लिए काल बन जाते हैं। भगवान से मन्नत मांगो कि जल्दी से जल्दी सरिता घर वापस लौट आए। वो घर आएगी तो हम मन्नत पूरी करेंगे। मैं सरिता की खामोशी के साथ बात कर रहा था। मैं उठकर जाने वाला था कि इतने में अचानक सरिता ने आवाज देकर मुझे बुला लिया। देखा भैया, मैंने कहा था ना, भाभी की खामोशी आप ही का इंतजार कर रही थी। आशु, तुम्हारी स्पर्श ने इसकी खामोशी को तोड़ दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र। लेकिन एक बात बताओ, तुम उसे साथ घर क्यों नहीं लेके आए? भाभी, मैं तो उसे ले आना चाहता था, लेकिन अमरनाथ जी ने कहा कि वही उसे यहाँ से लेके गए थे, वही उसे वापस यहाँ छोड़ जाएंगे। सूरज दीप से बोल गया हंसते हंसते भेद ये गहरा खोल गया। जितना जलो उतना हंसो, जितना चलो। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? आपने मेरी बेटी की बहुत सेवा की है। सेवा करना ही नर्स का धर्म है। ओके, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। माँ, मैं आशु के पास वापस जाना चाहती हूँ। बिल्कुल चली जाना, मैंने तुम्हारे पापा से बात भी कर ली है, वो खुद तुम्हें वहां लेके जाएंगे।
सच में? हाँ। सरिता को मैं ही यहां से लेकर चला गया था, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। सरिता आपकी अमानत है, उस पर आपका अधिकार है, संभालिए आप अपनी बहू को। सरिता हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। और रही बात अधिकार की, तो रिश्तों पर सिर्फ प्यार और अपनेपन का अधिकार होना चाहिए, नहीं? आइए अंदर आइए। नहीं बस रामकिशोर जी, आपकी अमानत आपको लौटा दी, हमारी मुश्किल दूर हो गई। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं, इतने दिनों के बाद इतनी बड़ी खुशी लेकर आए हैं, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। नमिता जी, मिठाई लेकर आओ, और मिठाई ना हो तो शक्कर लेके आओ। रामकिशोर जी, क्या बताऊं आपको, बहुत पहले मुझे आपकी अमानत आपको लौटा देनी चाहिए थी। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते अमरनाथ जी। लेकिन हाँ, ये तो बताइए, आने से पहले आपने डॉक्टर से पूछा था ना कि सरिता सफर कर सकती है या नहीं? मना तो किया था डॉक्टर ने रामकिशोर जी। अरे लेकिन सरिता को आराम की भी तो जरूरत है, और यहाँ से ज्यादा आराम उसे कहाँ मिल सकता है। रामकिशोर जी, सरिता का सिर्फ जिस्म वहां था, उसका दिल, उसकी आत्मा तो बस यहाँ थी, आप सबके पास, आशुतोष के पास। अरे कमला, सरिता को अंदर ले जाओ ना। चलो बेटा। संभल के सरिता, ये आशु को बहुत बड़ा घर मिल गया, तुम्हारा कमरा वो उधर। ये तेरा कमरा है बेटा, पसंद है? तो किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा देना। जी मुझे चल कसो भाभी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं सरिता। भाभी, मैंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है। भूल जाओ उन सब बातों को, जो समय गुजर गया उसे याद करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, पहले आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे माफ किया या नहीं? गलती इंसान से ही होती है सरिता, जो इंसान अपनी गलती मान ले वो किसी माफी से कम नहीं होता। अब अपनी जिंदगी का हर पल कीमती समझो और उस हर पल को खुश होके जियो। भाभी, इस घर में आने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे जो भी खुशी मुझसे दूर थी अब मेरे पास वापस आ गई है। मुझे बहुत खुशी हुई है सुनकर। सरिता, तू वापस अपने घर आ गई। ऐसे कैसे हो सकता है, मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। अरे नम्रता, जल्दी लाओ ना, कितनी देर लगा रही है। आई बाबा, मुंह मीठा कीजिए। चलिए बस। अरे मैं तो संभाल।
आराम किशोर जी, अब एक बात मैं बता देता हूँ, अगली बार आपको हमारे घर आना पड़ेगा, और नहीं आए तो हम लोग यहाँ डेरा डाल के बैठ जाएंगे। नहीं नहीं, हम आएंगे, और अगर आप यहाँ डेरा डाल के बैठ जाएंगे तो इससे बड़ी खुशनसीबी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार। और भाई साहब, सरिता बेटे की चिंता बिल्कुल मत करिएगा, वो हमारी अमानत थी और हमारी ही रहेगी। अच्छा।